सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं, क्योंकि दोस्तों नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से बड़े स्तर पर ये वैकेंसीज रखी गई हैं, जिनके लिए आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं और आप इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा, क्योंकि नॉन टीचिंग की यह पोस्ट है। अगर आप यहाँ पर 10वीं पास कर चुके हैं, 12वीं पास कर चुके हैं, तो भी आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। सो वीडियो हम बात करेंगे कि दोस्तों कौन कौन से पद के लिए वैकेंसीज रखी गई हैं, कब से कब तक आप इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपका यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपको पर मंथ पे स्केल कितना प्रोवाइड किया जाएगा, कितनी सैलरी आपको पर मंथ दी जाएगी, इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि आगे आने वाली सभी नई लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। एंड इसी के साथ में अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में, उसके बाद में मैं आपको ऑनलाइन अपना आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो एनवीएस की वैकेंसीज है दोस्तों, नॉन टीचिंग पोस्ट है, 1925 पदों पर ये वैकेंसीज रखी गई हैं, जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं कौन कौन से पद के लिए वैकेंसीज रखी गई हैं, तो यहां से आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, असिस्टेंट कमिश्नर पद के लिए वैकेंसीज हैं, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए वैकेंसीज हैं, स्टेनोग्राफर के लिए वैकेंसीज हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए वैकेंसीज है, एंड कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेट असिस्टेंट मतलब कि आरओ कायडे के लिए, एंड जूनियर सेक्रेट असिस्टेंट मतलब कि जेएनवी कायडे के लिए भी वैकेंसीज है। इसी के साथ में मैस हेल्पर और मल्टीटास्किंग स्टाफ पद के लिए वैकेंसीज रखी गई है, साथ ही में अदर्स पद भी रखे गए हैं जिनके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। यहां पर अगर आप 10वीं पास भी हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों 10 फरवरी 2022 इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है। बात करते हैं दोस्तों आगे की इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप इसका इस पर क्लिक करके इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे कि मैं यहां पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर चुका हूं, सो यहां से आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड इजिली कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों आगे की इन्फॉर्मेशन के बारे में, ओवरव्यू के बारे में, तो देखिए नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से नॉन टीचिंग पदों पर वैकेंसीज है, 1925 पद रखे गए हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 12 जनवरी से 10 फरवरी 2022 इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब कि दोस्तों सीबीटी के आधार पर और इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। वेरियस स्टेट से वैकेंसीज है, मतलब कि आप अपना नियर आपका जो भी स्टेट है वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं, आपके स्टेट के लिए भी वैकेंसीज नवोदय विद्यालय में देखने को मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 12 जनवरी से 10 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपके फरवरी मार्च 2022 में जो है रिलीज कर दिए जाएंगे और 9 से 11 मार्च 2022 तक आपकी जो है एग्जाम यहाँ पर चलने वाली है। वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1500 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1200 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी। लैब अटेंडेंट, मैस हेल्पर और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 750 रुपये फीस है, एंड ऑल अदर पोस्ट हैं उनके लिए 1000 रुपये आपको एप्लीकेशन फीस देनी होगी। एससी एसटी और पीएच कैटेगरी कैंडिडेट को कोई भी एप्लीकेशन फीस जमा नहीं करवानी होगी। एंड यहां पर जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो आप यहां से चेक कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर पद के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी 45 साल जो है मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए, और मास्टर डिग्री वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो कि यहां पर ह्यूमैनिटीज और साइंस और कॉमर्स से यहां पर कर चुके हैं। एंड इसी के साथ में दोस्तों असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 45 साल एज लिमिट रखी गई है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए अगर आप 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। एंड इसी के साथ में 35 साल जो है आपकी मैक्सिमम में एज लिमिट रखी गई है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 18 से 30 साल एज आपकी जो है होनी चाहिए। बैचलर डिग्री अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ऑडिट असिस्टेंट के लिए 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है। बैचलर डिग्री वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जो कॉमर्स से जो है बीकॉम किया है, या फिर जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर के लिए 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। सिविल इंजीनियर जूनियर सिविल इंजीनियर पद के लिए भी जो है डिग्री और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, एंड यहां पर भी आपकी 35 साल एज लिमिट रखी गई है। स्टेनोग्राफर के लिए 18 से 27 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, 12वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। एंड इसी के साथ में 80 वर्ड पर मिनट आपकी जो है टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, अगर आप हिंदी में स्पीड करते हैं तो आपकी जो है 60 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 35 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, अगर आप किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री कंप्लीट कर चुके तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके
से यहाँ से आप जो इन भर्तियों से संबंधित कैटरिंग असिस्टेंट के लिए 35 साल एज लिमिटेड 10वीं बारहवीं पास कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। जूनियर सेक्रेट असिस्टेंट और जूनियर सेक्रेट असिस्टेंट जेएनवी कार्ड के लिए 18 से 27 साल एज लिमिट रखी गई है, 10वीं बारहवीं पास कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर आपकी जो है टाइपिंग स्पीड आपसे मांगी गई है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर पद के लिए 18 से 40 साल, लैब असिस्टेंट के लिए 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पर आपका जो है 10वीं पास होना जरूरी है। मैस हेल्पर और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी रहेगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू रहेगा जो कि असिस्टेंट कमिश्नर और जूनियर इंजीनियर पद के लिए जो है कंडक्ट करवाया जाएगा। स्किल टेस्ट आपका रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन यहां पर आपका कंडक्ट करवाया जाएगा और इन्हीं के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। यहां पर आप चेक कर सकते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या आपका यहां पर रहने वाला है। अगर दोस्तों आप यहां पर मल्टीटास्किंग स्टाफ पद के लिए अप्लाई करते हो तो आपका ओनली सीबीटी रहेगा, मैस हेल्पर के लिए आपका स्किल टेस्ट रहेगा, लैब अटेंडेंट के लिए आपका ओनली सीबीटी रहेगा एंड इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए सीबीटी और जो है ट्रेड टेस्ट रहेगा। अगर आप जेएनवी कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका यहां पर जो है सीबीटी और टाइपिंग टेस्ट रहेगा। आरओ कार्ड के लिए आपका सीबीटी और टाइपिंग टेस्ट रहेगा। कैटरिंग असिस्टेंट के लिए ओनली सीबीटी रहेगा, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ओनली सीबीटी रहेगा। सैलरी आपको यहां पर भर भर के दी जाएगी। जी हां दोस्तों, सैलरी आपको यहां पर बहुत अच्छी खासी मिलने वाली है। यहां पर आप चेक कर सकते हैं लेवल 12 से आपको यहां पर मंथ पे स्केल मिलेगा, मतलब कि दोस्तों अगर आप यहां पर असिस्टेंट कमिश्नर के लिए अप्लाई करते हैं तो 78,800 रुपए आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे और 2,09,200 रुपए आपको जो है आपकी जो है सैलरी पहुंच जाएगी जब आपको कुछ दिन हो जाएंगे उसके बाद में। एंड यहां पर आप दोस्तों अच्छी खासी सैलरी आप यहां से देख सकते हैं, हर एक पोस्ट के लिए सैलरी की इंफॉर्मेशन ले पाएंगे। एडमिट कार्ड आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे। सो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप इन भर्तियों के लिए किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं। सो दोस्तों एनवीएस डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का जो है नोटिफिकेशन खुल करके सामने आ जाएगा। सो ये नोटिफिकेशन आपको जो है यहां पर थोड़ा सा जूम कर लेना है, जैसे कि मैं आपके सामने जूम कर देता हूं। एंड दोस्तों यहां पर आप चेक कर पाएंगे ये नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से वैकेंसीज है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आपके स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म तो आपके 12 जनवरी 2022 से स्टार्ट हुए और 10 फरवरी 2022 इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में आप यहां से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आपको जो है स्क्रॉल करना है, देन दोस्तों इसके बाद में यहां पर क्लिक करना है और स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की प्रोसेसिंग चलेगी। प्रोसेसिंग चलने के बाद में आपको जो है क्लोज के बटन पर क्लिक कर देना है एंड यहां से आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं यहां पर जो है कोई भी एक पोस्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पर स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई नहीं करूंगा, कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए अप्लाई करूंगा। तो आपको जो है यहाँ पर ऑलरेडी आपका जो है पोस्ट कोड आ जाएगा, उसके बाद में आपको जो है यहाँ पर अपना नाम भर देना है, उसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर दे चुका हूँ। उसके बाद में आपको कन्फर्म मोबाइल नंबर करना है, तो मुझे ये मैंने ऐसे रेंडम डाल दिया था और अभी मुझे इसे कंफर्म करने में बहुत टाइम लग जाएगा। कंफर्म हो गया हमारा। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है अपनी कोई भी एक जो है ईमेल आईडी डाल देनी है। सो मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही डाल देता हूँ, ईमेल आईडी, ये हमारी ईमेल आईडी हो गई। उसके बाद में आपको इसी ईमेल आईडी को जो है कंफर्म कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसी ईमेल आईडी को वापस डाल करके आपको नीचे जो है यहाँ पर कंफर्म करके डाल देना है और उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है ये कैप्चा कोड जो दिया गया है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करना है। जैसे ही आप ये कैप्चा कोड डाल देंगे तो देखिए दोस्तों आपके सामने यहाँ पर एक और नया ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप ये कैप्चा कोड फिल कर देते हैं तो उसके बाद में आपको यहाँ पर जो है इसका फॉर्म जो है यहाँ पर एक सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस सबमिट के बटन पे क्लिक करके आप जो है यहाँ पर ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने इसका मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर गलत डाला है, अगर मैं मोबाइल नंबर सही डालूंगा तो यहाँ पर जो है आपका फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप भी जानते हैं दोस्तों, आप भी अच्छे खासे समझदार लोग हैं, तो आपको भी पता है कि अगर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन डालेगा तो वो आगे अप्लाई नहीं कर पाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं अप्लाई करके भी आपको दिखा दूंगा लेकिन मुझे इसके लिए अप्लाई नहीं करना है, मैं आप सभी को वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन देता हूं। तो दोस्तों आपको अगर अप्लाई करना है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके आपको जो है इसका प्रिंट आउट सेंड कर सकता हूं। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी नई लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।